नमस्कार दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने कोर्स की जो कि है सोशल साइंस पेपर टू। और आज हम बात करने वाले हैं पेडागॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो हम तैयारी कर रहे हैं सीटैट 2019 के, जो पेपर आपका 7 जुलाई को होने वाला है। इस कोर्स में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं पेपर टू सोशल साइंस पेडागॉजी का। ये ना केवल आपको एचटैट, यूपीटैट, केवीएस, एनवीएस और अदर टैट एग्जाम्स में हेल्प करेगा। एंड दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी मधु यादव। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम इज सेड टू हैव मेनी पॉजिटिव इफेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो मिड डे कार्यक्रम जो किया गया था उसके बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव देखे गए थे, तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना है कि उनका एक सकारात्मक प्रभाव जो इनमें से नहीं था। तो पढ़ लेते हैं पहले। एनरोलमेंट ऑफ पुअर पीपल, पुअर चिल्ड्रेन इन द स्कूल, द कास्ट प्रेजुडिस हैव बीन रिड्यूस्ड, द पुअर स्टूडेंट्स कैन नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज एज दे डू नॉट हैव एम्प्टी स्टमक, द पुअर चिल्ड्रेन आर गेटिंग हाई मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो पहले में बोला गया है कि गरीब बच्चों का ज्यादा से ज्यादा स्कूल में आना, दूसरा बोला गया है जातिगत पूर्वग्रहों को कम किया गया है, पुअर स्टूडेंट्स अब पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं क्योंकि उनका पेट खाली नहीं है, या पुअर स्टूडेंट्स जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलने पड़े हैं। तो ये जो गरीब बच्चे हैं उनको अच्छे मार्क्स मिलने पड़े, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेथड यूज्ड इन सोशल साइंस क्लासरूम इन विच द लर्नर आस्क इवेलुएट वंस अनदर लाइक द एबिलिटी। तो एक दूसरे को, अपने आप को, एक दूसरे को तोलने का, एक दूसरे को जांचने का जो है कौन सा मेथड यूज किया गया है, सेल्फ असेसमेंट, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, केस स्टडी, साइकोमेट्रिक टेक्निक। तो इसमें से है आत्ममूल्यांकन, सोशियोमेट्रिक टेक्निक, मामले का अध्ययन या साइकोमेट्रिक टेक्निक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका सोशियोमेट्रिक टेक्निक, जहां पे हम दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल क्वालिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनमें से क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जेनरेटिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव। तो आपको बताना है सम्मिलित है, उत्पादक है, चिंतनशील है या वियोजक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ वेरियस इश्यूज ड्यूरिंग एन इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू मोस्ट लाइकली टू आस्क योर स्टूडेंट। अगर आप एक टीचर हैं और आपको एक इलेक्शन के बारे में बताना है कि इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, किस चीज को देखकर आपको वोट डालना चाहिए, तो आप बच्चों को कैसे बताएंगे? तो पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर पॉलिटिकल पार्टी। तो जो एनालिसिस, विश्लेषण अखबार में किया जाता है, एडिटोरियल्स में जो विश्लेषण किया जाता है उसके आधार पर आप बच्चों को बोलेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप जानी अच्छी है बुरी, और उसके लिए एनालिसिस ऑफ ईच पार्टीज प्रायोरिटी एंड द टाइप ऑफ पॉलिसीज इट इज मोस्टली लाइकली टू सपोर्ट। तो या ये बोलेंगे कि अध्ययन करें, विश्लेषण करें कि कौन सी पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है, वो किस चीज पर काम करने वाली है और उस हिसाब से उसको सपोर्ट करें। कंडक्ट अ सर्वे इन योर लोकेलिटी फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द पार्टी। तो जो ज्यादा पॉपुलर है, जो ज्यादा लोकप्रिय है, उस पार्टी को आप जितवाना चाहेंगे। एनालिसिस एंड कंपेयर द टाइम डिवोटेड टू द नेशनल न्यूज चैनल टू द डिफरेंट पार्टीज, या चैनल ने जिस पार्टी को ज्यादा समय दिया है उसके आधार पर उसको करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, एनालिसिस ऑफ ईच पार्टीज प्रायोरिटी एंड द टाइप ऑफ पॉलिसीज इट इज मोस्ट लाइकली टू बी सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड फॉर द पीयर लर्निंग इन द क्लासरूम। तो एक दूसरे से जो हम सीखते हैं उसमें सबसे ज्यादा किस में सीख सकते हैं, ड्रामा में, कंप्यूटर एडेड लर्निंग में, पार्टिसिपेशन इन रूटीन एक्टिविटीज, विजिट टू रिसर्च लेबोरेटरीज। तो हम सबसे ज्यादा सीखेंगे दोस्तों से ड्रामे में, जब ड्रामा करेंगे तो उनके साथ हमारा मेल जुलाप बढ़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सही है, सोशल साइंस इज नॉट कंसर्न विद द डाइवर्स कंसर्न ऑफ सोसाइटी।
सोशल साइंस जो है वो सामाजिक विज्ञान, समाज की विविध चिंताओं का कोई सरोकार नहीं रखता। सोशल साइंस एम्फोसिस ऑन होमोजेनिटी, समरूपता पर जोर देता है। सोशल साइंस सब्जेक्टिविटी डिसिप्लिन, एक विषय अनुशासन है। सोशल साइंस लेज द फाउंडेशन एंड एनालिटिक क्रिएटिव माइंडसेट। तो सामाजिक विज्ञान जो है एक विश्लेषणात्मक और रचनात्मक मानसिकता की नींव रखता है, इसीलिए ये हमारे पाठ्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सोशल साइंस द रिसेंट एनसीएफ पोजिशन पेपर ऑन एग्जामिनेशन रिफॉर्म। अब जो एनसीएफ है उसमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया गया है, तो वो किस चीज पर ज्यादा जोर देता है, किस चीज पर ज्यादा जोर देता है? ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली पुस्तक की तरफ, कंटिन्यूस असेसमेंट सतत मूल्यांकन की तरफ, टेस्ट परफॉर्मेंस या फ्लेक्सिबिलिटी सिटिंग अरेंजमेंट वाइल टेस्टिंग, परीक्षण देते समय लचीले बैठने, मतलब आप कहीं भी बैठ सकते हैं, या टेस्ट प्रदर्शन, टेस्ट परफॉर्मेंस पर। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सतत मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन पर ध्यान देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टडीइंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ विलेज कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन ऑफ यंग वंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डाटा। तो यंग वंस की जो हम डाटा पढ़ रहे हैं, एक विलेज का डाटा पढ़ रहे हैं, वो कौन सा होगा? तो सेकेंडरी डाटा होगा, नरेटिव डाटा होगा, क्लिनिकल डाटा होगा या प्राइमरी डाटा होगा। तो ऐसे डाटा को हम हमेशा क्या कहते हैं? प्राइमरी डाटा, प्राथमिक डाटा, क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं सब कुछ, खुद ही डाटा कलेक्ट करके खुद ही आंकड़ों को देख रहे हैं, तो उसको प्राइमरी डाटा कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग इन्फ्रेंसेज, the process of driving inferences from the observable fact is analysis, disposition, deduction, brainstorming। तो जो हमारे पास तथ्य हैं, उनका जो हम निष्कर्ष निकालते हैं, उनको क्या कहा जाता है? विश्लेषण कहा जाता है, प्रदर्शनी कहा जाता है, निगमन कहा जाता है या बुद्धिशीलता कहा जाता है? तो जो हम तथ्यों से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको निगमन कहा जाता है। आपने विधि भी पढ़ा होगा, निगमन विधि कहा जाता है उसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू शो द चेंज इन द रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर रीजन इन अ डिकेड, विच मेथड, विच टीचिंग एड शुड बी सुटेबल। तो हमें वर्षा दिखानी है कि एक जगह पे 10 साल में कितनी वर्षा हुई, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्लो चार्ट यूज करेंगे, बार डायग्राम यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या वेनिन डायग्राम यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे है बार आलेख यूज करेंगे, बार डायग्राम यूज करेंगे।